नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति तनेजा। जीएससीसी एबीसी न्यूज चैनल के बातचीत कार्यक्रम में आप सब दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे बीच श्री अटल बिहारी वाजपेयी कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय की प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर नलिनी जोशी मौजूद हैं। मैडम नलिनी जोशी से हम सब अच्छे से परिचित हैं। श्री अटल बिहारी वाजपेयी आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में संस्कृत विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर नलिनी जोशी साथ ही उच्च शिक्षा विभाग को रिप्रेजेंट करती हैं। नमस्कार मैडम, आप शहर के सबसे बड़े महाविद्यालय एवं ए ग्रेड प्राप्त कॉलेज की प्रभारी प्राचार्य हैं। आपका क्या अनुभव है, थोड़ा आप दर्शकों से शेयर करेंगे? मैं बताना चाहूंगी कि मैं पिछले कई वर्षों से इस महाविद्यालय में हूं और मुझे कभी भी किसी भी प्रकार की मदद की जरूरत कर्मचारियों से, छात्र वर्ग से, प्राध्यापकों से अथवा सहायक प्राध्यापकों से किसी भी प्रकार की कभी भी जरूरत महसूस हुई तो बिना मांगे मेरी मुरादें पूरी हुई हैं। आपके इस पद ग्रहण करने के बाद ये नया सत्र में एडमिशन्स शुरू हो गए, प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई, तो आप कुछ आपने इस प्रक्रिया के बारे में बता चाहेंगे? कितने विद्यार्थी को अभी तक एडमिशन ले चुके हैं? प्रवेश के प्रथम और द्वितीय चरण संपन्न किए जा चुके हैं और तृतीय चरण अभी शेष है। शासन द्वारा सीएलसी राउंड समाप्त कर दिया गया है इस वर्ष, इस कारण तृतीय चरण तक ही हमारे यहाँ प्रवेश संभव हो सकेंगे। स्नातक स्तर पर महाविद्यालय में 2560 सीट्स उपलब्ध हैं, जिनमें से 1406 द्वितीय चरण तक भरी जा चुकी हैं। स्नातकोत्तर स्तर पर 1338 सीट्स में से 639 पर प्रवेश हो चुका है, शेष 646 अभी बाकी हैं। तृतीय चरण भी बाकी है, हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी सीट्स पूरी हो जाएंगी। ऐसा सुनने में आया था कि इस साल से एमबीए कॉलेज में शुरू होने वाला है, तो आप इसकी कुछ प्रक्रिया के बारे में बता चाहेंगे? कितने सीट्स हैं, कैसे एडमिशन हो रहा है? इस वर्ष हमारे लिए ये बहुत हर्ष का विषय है कि एमबीए महाविद्यालय हमारे यहाँ प्रारंभ होने जा रहा है। इसमें 60 सीट्स हैं और प्रारंभिक तौर पर हमको 60 सीट्स दी गई हैं, जिसमें काउंसलिंग शुरू हो चुकी है और भवन भी अप्रूव हो चुका है और उसका पोजीशन हमको मिल चुका है और सारी गतिविधियां जो शिक्षण से संबंधित है उसको हम प्रारंभ कर चुके हैं। नए सत्र में मैडम आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी कि हम किन चीजों पे ध्यान दें जिससे विद्यार्थियों का भी उत्थान हो और अध्यापन भी सुचारू रूप से चले? सबसे ज्यादा प्राथमिकता तो हम अपने छात्रों के सर्वांगीण विकास पर देना चाहेंगे। हमने विद्यार्थियों के लिए हमारे महाविद्यालय में 11 वर्ग बनाए हुए हैं, जिनमें वो योगा, भाषा सुधार तथा कंप्यूटर प्रशिक्षण के कार्यक्रम को सीखते हैं और तदनुसार हम इस वर्ष भी कार्यशाला और व्याख्यान का प्रतिवर्ष के अनुसार आयोजन करने जा रहे हैं। साल भर में वर्ष पर्यंत हमारी जो गतिविधियां होंगी उसमें ये इन दो प्रमुख बिंदुओं पर हम ध्यान आकर्षित करेंगे और विद्यार्थियों से अपील करेंगे कि वो अधिक से अधिक तादाद में इन कार्यक्रमों को सफल बनाएं। महाविद्यालय का इतना बड़ा प्रांगण है और हर वर्ष की तरह यहाँ प्लांटेशन होता है, नए आपके कैनोपीज लगाई गई, रेणुका वाटिका आपकी बनाई गई, तो इस वर्ष भी कुछ क्या हम प्लांटेशन की तरफ या हरियाली की तरफ बच्चों को और स्टाफ का ध्यान ले जाएंगे? महाविद्यालय प्रांगण को स्वच्छ बनाए रखते हुए हरियाली महोत्सव मनाया जाना हमारे यहाँ हमारी जनभागीदारी समिति की अध्यक्ष उषा दीदी के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। उनकी मंशा है कि हरियाली महोत्सव खूब धूमधाम से मनाया जाए और इस हेतु हमारे समस्त प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक और छात्र वर्ग सभी इस कार्यक्रम को सफल बनाने में कटिबद्ध हैं। इसी के साथ बच्चों को आप, क्योंकि ब्यूटिफिकेशन ऑफ द कैंपस कहेंगे इसको हम, उसमें आप लगा रहे हैं। आपने एक बात पहले भी बोला कि सेमिनार्स कराएंगे हम, लेक्चर्स करवाएंगे बच्चों के लिए, बच्चों के लिए आपने 11 क्लब बनवाए हुए हैं। इसके अलावा कुछ लाइब्रेरी की सुविधाएं,
क्योंकि सेमिनार्स में अगर बच्चे जा रहे हैं या बच्चे लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं जो आप कॉलेज में अपने ऑर्गेनाइज करवाएंगे, तो क्या लाइब्रेरी की उनको कुछ विशेष सुविधा इसमें प्रदान की जाएगी, कुछ हेल्प मिलेगा, क्योंकि अपना ये आपका कॉलेज हम रिसर्च सेंटर भी है। जी हाँ, इस वर्ष हमारे यहाँ स्थायी रूप से ग्रंथपाल आ चुके हैं और इस कारण हमारी लाइब्रेरी की व्यवस्थाओं में बहुत परिवर्तन हुआ है, बहुत विकास हुआ है और इसके तहत हमने ई लाइब्रेरी बनाने का प्रस्ताव दिया है और मुझे लगता है इस वर्ष शायद संपन्न हो सकेगा। बच्चों के लिए ये एक बहुत अच्छा फैसिलिटी और अच्छा एक मैसेज आप कन्वे कर रहे हैं कि ई लाइब्रेरी की सुविधा भी बच्चों को मिलेगी। मेरे ख्याल से जहां तक मैं समझती हूँ, ई लाइब्रेरी महाविद्यालय में इनफ्लिप नेट के थ्रू आती है। हाँ, ये UGC का एक प्लान है। जी हाँ, हम इसी दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं। आपके रीडिंग रूम्स वगैरह ये सब आप सुचारू रूप से पहले से ही चल रहे हैं, गत वर्षों में भी चले हैं और इस वर्ष भी चल रहे हैं, क्योंकि नेक की टीम हमारे यहाँ आकर के पहले ही दौरा कर गई है। उस दौरान हमारे महाविद्यालय में ये समस्त उपलब्धियां प्राप्त की जा चुकी हैं। कक्षाओं के लिए आप बच्चों को क्या बोलना चाहेंगे? पढ़ाई इनकी कब से बिल्कुल शुरू हो रही है या हो चुकी है, कुछ जिससे बच्चों को पता चले कि हाँ। समस्त प्राध्यापकों द्वारा समय सारणी प्रदान की जा चुकी है और विभागवार 13 जुलाई से हमने अध्ययन अध्यापन कार्य प्रारंभ कर दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे छात्र इसका पूरा पूरा लाभ उठाएंगे। तो पढ़ाई शुरू हो चुकी है, टेस्ट आगे आ जाएंगे, प्रोजेक्ट्स भी आगे आ जाएंगे और हम आशा करते हैं कि इस बड़े महाविद्यालय से बच्चे बहुत अच्छा करके निकलेंगे, उनको आगे जाके प्लेसमेंट्स भी अच्छे मिलेंगे। आप कोई मैसेज, कोई संदेश अपने इस टॉक शो के थ्रू आप बच्चों को देना चाहते हैं? बच्चों से यही निवेदन करना चाहूंगी कि वो अधिक से अधिक तादाद में अपने प्राध्यापकों से संपर्क करें और निरंतर संपर्क में बने रहकर अपने सपनों को पूरा करें। और मेरी समस्त शुभकामनाएं उनके साथ में हैं, वो निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते चलें। धन्यवाद डॉक्टर नरेंद्र जोशी जी। आज के इस बातचीत कार्यक्रम में शहर के गरिमामय कॉलेज के प्राचार्य से हमारी अभी मुलाकात हुई, बातचीत हुई और आगे ही हम ऐसे ही खास लोगों से और बातचीत करते रहेंगे। आप देखते रहिए ABC News Channel।